अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर, अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। नीतीश कुमार क्या करेंगे इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार की योजनाओं और रणनीतियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ नया करने के फिराक में हैं। अब ये नया क्या होगा, इस पर अभी मंथन चल ही रहा है कि नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर लगातार हर प्रखंडों में जा रहे हैं। हमने खबरों के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने कल एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से अब उन पर चढ़ बैठा है। नीतीश कुमार ने साफ तरीके पर शराबबंदी को लेकर के जीविका दीदी के द्वारा आम जनता को जागरूक करने का जो प्लान बनाया है, जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार लगातार आम जनता से मिल करके और जीविका दीदियों के माध्यम से जनता के मूड और उनके विचार को जानने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 2020 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार पिछड़ गए थे, उसको लेकर के अब नीतीश कुमार उसे कैसे पूरा करें, इस पर लगे हुए हैं। और इस फिराक में नीतीश कुमार लगातार यात्रा कर रहे हैं और खुद इस यात्रा का को हैंडल भी कर रहे हैं। हर योजना और हर रणनीति पर उनकी पैनी निगाह है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जा रही हैं जो अक्सर नीतीश कुमार को घाटा का सौदा होती रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कभी नियोजित शिक्षकों को लेकर के नीतीश कुमार ने कई बार मंच से बहुत कुछ कह दिया था। कल भी जब बातचीत कर रहे थे, जब समाज सुधार यात्रा की बात कर रहे थे, शराबबंदी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात मीडिया से कही कि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बिहार आने से रोकना चाहते हैं, या ऐसे लोगों के लिए उनका संदेश है कि नहीं आए बिहार अगर शराब पीने की आपकी इच्छा हो या आपकी लत हो, क्योंकि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है। इन सब बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार आज भी समाज सुधार यात्रा पर मुजफ्फरपुर गए हुए हैं और वहाँ उनकी सभा चल रही है, इसी दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के माध्यम से नीतीश कुमार अचानक से मंच पर बोलते बोलते भड़क गए और इतना भड़के कि आपे से बाहर हो गए। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और तस्वीरों में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवहार किया कि जिसको लेकर के मीडिया कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। अचानक से नीतीश कुमार मंच पर बैठे हुए थे और वहीं भाषण देते देते उन्होंने मीडिया को की तरफ इशारा करते हुए आपा खो दिया और मीडिया कर्मियों को सीधे कहा कि आपको यदि नहीं लगता है कि समाज सुधार जो है वो होना चाहिए तो आप सभा से बाहर हो जाएं। इस तरह का आप लोगों का व्यवहार दिखता है और ये बता रहा है, इशारा कर रहा है कि आप लोगों को समाज सुधार से कोई मतलब नहीं है। बात इतनी बिगड़ गई कि भारी हंगामा होते होते रह गया। नीतीश कुमार ने फिर बाद में कोशिश तो किया, लेकिन क्या कुछ कहा और किस बात को लेकर के किस तरह से माहौल गर्मा गया, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि नीतीश कुमार आखिर इतने ज़्यादा उद्वेलित क्यों हो जाते हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं, इसके पीछे का रणनीति और कारण क्या है, क्या नीतीश कुमार की यात्रा सफल होते होते और जो सोच रहे थे उस दिशा में नहीं जा रही है। इस तरह से कभी मीडिया कर्मियों को भड़कना और कभी बिहार नहीं आने का लोगों को कहना, क्या कुछ है देखिए वीडियो में। कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिले तो तत्काल आप सूचना करिए, आपका नाम नहीं हम लोग कोई उजागर करेगा, लेकिन उसके आधार पर जो भी जरूरी कार्रवाई है वो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो ये काम जो किया गया, तो जहां पहले ये जो हम लोगों ने अभियान शुरू कराया उसके पहले जो 70-80 कॉल प्रतिदिन आते थे, अब 190 से लेकर के 200 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं, कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए, हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं, तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं और मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट? अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है?
इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है, महिलाओं में जागृति आ रही है, और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए, यह अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो मुझसे, हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। और अगर कोई अपनी बात कहना भी चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन जरा जो काम चल रहा है इस काम पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी अपने आप को बिल्कुल नष्ट करिएगा, यह हम आपको कह देना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।